अयोध्या में राम जी का मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, उसमें भी 4 बौद्धों को मेंबर बनाओ। यहाँ स्टेशन पर स्थित हनुमान मंदिर है जहाँ पर करोड़ों रुपया रोज चढ़ावा आता है, इसमें भी 4 दलितों को मेंबर बनाओ। महाबोधि मंदिर में से 4 बौद्धों को बाहर निकालो। यदि भारत को मजबूत होना है तो बौद्ध मंदिर को बौद्धों के हाथ में सौंपना होगा। मुख्यमंत्री जी के बारे में पता ही नहीं चलता वो अंदर से हाफ पैंट पहने हैं कि फुल पैंट भी पहने हैं। वो बौद्धों के लिए तो पटना जैसे ऐतिहासिक जगह पे बुद्ध स्मृति पार्क बनाते हैं, जब दलाई लामा जी आते हैं तो उनसे मिलने बोध गया तुरंत चले जाते हैं, लेकिन महाबोधि मंदिर मुक्ति के लिए एक शब्द 20 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला। महाबोधि मुक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक क्षण में पूरा सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए तमाम बुद्ध, अंबेडकर, फूले परियार, जगदेव बाबू, मानवर काशी राम साहब के विचारों को मानने वाले तमाम बंधुओं को इस पाटलिपुत्रा की धरती पे बिहार विधानसभा के सदस्य और मखदुमपुर के विधायक होने के नाते, बुद्ध के अनुयायी होने के नाते सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल और नमो बुधाय करता हूँ। साथियों, बात एकदम सीधी सीधी है, बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जब बुद्ध ने पूरे भारत में बोध गया कि उस पवित्र स्थल को अपने तपस्या के लिए, अपने ज्ञान की खोज के लिए उस जगह को चुना, तब क्या उस समय शिवलिंग था? जब हेनसांग यहाँ पर आते हैं चीनी यात्री लगभग 629 ईसा में, जब वो अपने यात्रा वृतांत में जब लिखते हैं तो कहते वो पवित्र स्थल जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वो बुद्ध मंदिर है, वहीं से पूरे विश्व में बुद्ध का संदेश गया। तो कौन सी साजिश भारत में पले बढ़े, भारत का मूल धर्म, जो भारत के मूल निवासियों, भारत के आदिवासियों, भारत के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग, ये तमाम लोग का जो मूल धर्म बुद्ध का धर्म था, उस धर्म से कौन लोग उनको वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं? ये साफ साफ जब आप समझेंगे तो जिन्होंने वर्षों से जातिवादी व्यवस्था बना करके, वर्षों से वर्णवादी व्यवस्था बना करके, एक के ऊपर एक जात को सरिया करके हमको जो गुलाम बनाए रखने की साजिश रचे हैं, वही लोग हमारे महाबोधि मंदिर को आज कैद किए हुए हैं। इसलिए साथियों, लड़ाई एकदम सीधी सीधी है। जब इस भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारत में संविधान लागू हो गया, भारत पूरी तरीके से बाबा साहब के लिखित संविधान से चलना चालू हुआ, तो आजादी के पूर्व बना हुआ 1949 बीटीएमसी एक्ट क्यों लागू है, ये सवाल के घेरे में। उस एक्ट को निरस्त करने के लिए हम सब लोग इस तरीके के सैकड़ों प्रयास हुए, लेकिन हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और आकाश लामा जी के पूरे टीम के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई को आप पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान और पाटलिपुत्रा में आप लेकर के आए हैं। अब यहां से जो यहां से लड़ाई की जो बिगुल फूकेगी, यहां से जो लड़ाई का बवंडर जो उठेगा, हम जब तक महाबोधि मंदिर को मुक्त नहीं करा देते हैं, हम लोग को चैन से नहीं बैठना है। ये हमको संकल्प लेना है, इस मौके पर दशरथ मांझी को याद करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही संकल्प हमको आज लेकर के जाना है कि जब तक हम बीटीएमसी एक्ट में बदलाव ला करके बौद्धों के हाथ में पूर्ण अधिकार महाबोधि मंदिर को नहीं दिला देते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, पिछले सत्र में हमने सरकार के समक्ष सदन में सवाल उठाया कि क्या संविधान लागू होने से पूर्व बना बीटीएमसी एक्ट, जो अपने आप में गैर संवैधानिक है, क्या इस एक्ट को सरकार बनाए रखना चाहती है या बदलाव करके क्या महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहती है? यदि सौंपना चाहती है तो कब तक और नहीं तो क्यों? अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 3-3 बार हमने पत्राचार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आसन पर बैठा हुआ स्पीकर कहते हैं कि वहां शिवलिंग है, आपको मालूम है। तो हमने कहा, आपको मालूम है ये पूरा बिहार और पूरा देश बौद्ध में भारत है, ये आपको मालूम है? यहाँ पूरा बौद्ध का शासन चलता था, जिसके सम्राट अशोक महान पूरे देश और आज तक सम्राट बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ अशोक, जो बौद्ध को मानते थे, मालूम है आपको? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए साथियों, हम तमाम लोगों को
इसी तरीके से जो देश के कोने कोने से बौद्ध धर्म के मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले जो धर्मावलंबी आए हैं, उनसे ही निवेदन है कि इस लड़ाई को गांव गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, हम लड़ाई को जीत लेंगे। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बोध गया में पला बढ़ा, जन्म लिया, उस बोधि वृक्ष के नीचे हमको खेलने का मौका मिला। लेकिन बहुत सारे लोग बोध गया के आसपास रहने वाले नहीं जानते हैं कि बीटीएमसी एक्ट जो गैर संवैधानिक है, जिसमें 4 मेंबर बौद्ध होंगे, 4 मेंबर हिंदू होंगे, पदेन अध्यक्ष वहां का जिला पदाधिकारी होगा, लेकिन वही जिला पदाधिकारी विष्णु पद मंदिर का भी अध्यक्ष होगा, इसलिए गया का जिला पदाधिकारी हमेशा हिंदू होगा। तो 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, तो क्या कभी बौद्धों के पक्ष में कोई निर्णय होगा? तो ये इसीलिए हम चाहते हैं कि भैया अयोध्या में राम जी का मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, उसमें भी 4 बौद्धों को मेंबर बनाओ। यहाँ स्टेशन पर स्थित हनुमान मंदिर है, जहाँ पर करोड़ों रुपया रोज चढ़ावा आता है, इसमें भी 4 दलितों को मेंबर बनाओ, ये बात नहीं होगी। तो भैया हमारे महाबोधि मंदिर में से गैर बौद्धों को बाहर निकालो, ये हमारा आंदोलन है, ये हमारा संवैधानिक मांग है, क्योंकि हमें संविधान इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, हम अपने धार्मिक स्थल का विस्तार करें, ये हमको संविधान इजाजत देता है। लेकिन बीटीएमसी एक्ट ये हमको इजाजत नहीं देता है। इसीलिए आपने देखा होगा और हम बहुत नज़दीक से जानते हैं कि जो बीटीएमसी में जो मेंबर हैं, जो गैर बौद्ध मेंबर हैं, उन पर दर्जनों बार चोरी का आरोप लग चुका है। सीसीटीवी कैमरे में मंदिर का दान पद से डॉलर चुराते हुए पकड़े गए हैं, और रोजाना वहां चढ़ाने वाले फल फ्रूट्स बिस्किट और फ्रूटी कोको कोला अपने गाड़ी में भर भर कर घर ले जाते हैं, जबकि वहां बुद्ध के जो अनुयायी आते हैं, वहां जो बच्चे आते हैं, स्कूल के जो बच्चे आते भ्रमण करने आते हैं, पहले वो जब भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, वो जब मेंबर होते थे तो हम लोग भी घूमने जाते थे, तो एक सेव हम लोग को भी मिल जाता था, एक फ्रूटी हम लोग को भी मिल जाता था। वहाँ भ्रमण करने वाले तमाम लोगों को बुद्ध मंदिर में चढ़ाया गया, जो फल फ्रूट्स होता था लोगों में बांटा जाता था, लेकिन अब वो लोगों में नहीं बांटा जाता, लोगों के निजी गाड़ियों में भर करके वो घर पहुँचाया जाता है। क्या इसी तरीके से बौद्ध मंदिर चलेगा? इसलिए यदि भारत को मजबूत होना है तो बौद्ध मंदिर को बौद्धों के हाथ में सौंपना होगा, और जब बौद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपाएगा तो महाबोधि मंदिर में इतना ताकत है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल महाबोधि मंदिर संचालित कर सकता है, ये ताकत महाबोधि मंदिर में है। इसलिए साथियों, आज का जो ऐतिहासिक मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुपुत करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बारे में पता ही नहीं चलता, वो अंदर से हाफ पैंट पहने हैं कि फुल पैंट भी पहने हैं। वो बौद्धों के लिए तो पटना जैसे ऐतिहासिक जगह पे बुद्ध स्मृति पार्क बनाते हैं, जब दलाई लामा जी आते हैं तो उनसे मिलने बोध गया तुरंत चले जाते हैं, लेकिन महाबोधि मंदिर मुक्ति के लिए एक शब्द 20 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला है। तो समझ में नहीं आता है कि कैसे ये अपने आप को जगदेव बाबू के और बुद्ध के वंशज कहनाले के लायक हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। 20 साल में बोध गया का विकास दुनिया में सबसे बेहतरीन हो जाता, जब 2002 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब घोषित कर दिया, इसका विकास जितने तेजी से होना चाहिए था, लेकिन वही हाफ पैंट वालों के फेरा में पड़ करके उतना तेजी से बोध गया का विकास नहीं किया जा सका है। इसलिए भाइयों, हमको विचारधारा की लड़ाई पर भी इसको लड़ना होगा। अम्बेडकर, फूले परियार, जगदेव बाबू, ये तमाम लोग के मानने वाले के लोग के बीच में एक हमको सहमति बनानी होगी। जब विभिन्न विचारधारा से जीतने वाली राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सरकारें बना सकती हैं, तो हम विभिन्न बैनर के तहत बुद्ध अम्बेडकर फूले परियार के विचारधारा के लड़ाई लड़ने वाले हम भी एक बैनर बना करके अपने महाबोधि मुक्ति के लिए, महाबोधि मंदिर मुक्ति के लिए हमको समन्वय समिति बना करके इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ना होगा। यही इस मौके पर संकल्प लेने की आवश्यकता है, और विधायक होने के नाते सदन में जितनी बार भी सवाल महाबोधि मंदिर को लेकर उठाना होगा हम उठाते रहेंगे। इसके लिए हमको मार्शल उठा करके बाहर भी फेंक दे, लेकिन हम उससे घबराएंगे नहीं, और इस लड़ाई में
अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इसलिए हम तमाम बौद्ध भाइयों से कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। बिहार का लाखों नौजवान आपके साथ है, आप आगे बढ़ो और बुद्ध मंदिर को हम अपने हाथ में लेकर रहेंगे, यही हमारा अंतिम संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।